जिला स्तरीय पोषण समिति व डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस प्लान की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जनपद में कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो, इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और एक सर्वे अभियान के तहत जनपद में कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सुपोषण की श्रेणी लाया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस प्लान व पोषण समिति की चालू वित्तीय वर्ष के विगत महीनों एवं अक्टूबर में किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिस गांव में अति कुपोषित बच्चों की संख्या ज़्यादा हो उन्हें NRC में रेफर किया जाए और इन्हें अनुमानीय शासकीय सुविधाओं से आच्छादित करते हुए पोषण की श्रेणी में लाया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने CDPO बांसगांव, बडट एवं चरगांव को कड़े निर्देश दिए कि कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों की माताओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से जागरूक किया जाए कि वे अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, दिन में कम से कम 5 बार खाना अवश्य खिलाएं, उनका वजन कराएं। उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और उन्हें स्वस्थ रखना आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज के आधार होते हैं। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह, BSA BN सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सर आ रही है हम लोग पास उस समय, तो अगले महीने हम लोग उसको सर उसके माध्यम से फिर से भी कराएंगे सर। किस मॉक में आएंगे सर? ये सर हाइएस्ट अगर मौजूद शहर में है तो सबसे पूरे तक अगर देखते हैं तो कौन है CDPO बॉस का बताओ भाई। अब अति पोषित को जो अति कुपोषित श्रेणी में बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा आपके यहाँ क्यों? जनसंख्या ठीक है, वो तो करना ही आपकी ड्यूटी है, लेकिन ये क्यों इतना नंबर ज्यादा है आपका, परसेंटेज क्यों ज्यादा, क्या करने की जरूरत है वो बताओ ना मुझे। ये डेटा देख के क्या करोगे जाकर, तो इसको एनालाइज तो करोगे ना, इसे वैसे दिखाने के लिए कितने रेफर कराया आप? वही पूछ रहा हूँ, NRC के लिए कितने रेफर किया आपने? सर 2 बच्चे रेफर किए गए। बस कब के? 6 महीने से काम ही नहीं किया मैंने। कोविड के चलते लोग जा नहीं रहे सर, हम लोग कोविड यार 1 महीना हो गया, मैं कोविड ही देख रहा था यहाँ के डाउन। उनको सभी तक सुचार रूप से पहुँचाया जाएगा। एक बच्चे को जो 5 साल से कम उम्र का है उसको खाना कितनी कितने देर पे खिलाया जाना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग सब लोग के पास है? जी सर। कितनी बार खिलाना जाना चाहिए एक दिन में? सर 4 बार। कम से कम 5 बार या हर 2 से 2.5 घंटे पे एक बार उसको फीडिंग कराना है बच्चे को। इसके लिए अगर जो मान लीजिए कि गरीब परिवार है, वो महिला केवल कहीं काम करने जाती है, तो इसको यही मोटिवेट करना है कि आप काम करने के साथ अपने बच्चे पे ध्यान देना है, उसको फीडिंग कराना है समय समय से, 2 साल तक उसको माँ का दूध पिलाना ही पिलाना है, 6 महीने तक केवल दूध पिलाना है और कुछ नहीं खिलाना है, 6 महीने के बाद ऊपरी आहार देना है, सेमी सॉलिड देना है, कब सॉलिड देना है, किस फॉर्म में देना है, ये सब आप लोग को आंगनबाड़ी के माध्यम से जागरूक करना है, इससे ही सुधार होगा। केवल आप अगर जो अपना एक पुष्टाहार दे देंगे और उसको जागरूक नहीं करेंगे कि पुष्टाहार किस तरह खिलाएं, कब तक खिलाएं, तब भी उसका कोई बहुत असर होने वाला नहीं है। सर इस तरह से हम लोग जो है जागरूक करेंगे और उनके पास जो संसाधन है उसको और जो हम दे पा रहे हैं संसाधन शासन की तरफ से उसके माध्यम से सर हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। अभी रिजल्ट आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे उनको, ये हमारे सीनियर साहब ने पहले भी 14-15 गाय दी है ऐसे बच्चों को, आप अगर रिकमेंड करोगे हम यहाँ भी दे देंगे। आप अगली बार से नहीं, आपको होमवर्क करके आना है मीटर में, मेरी बात को समझिए आप, उसको अन्यथा मत दीजिए। देखिए आप लोग यहाँ बैठे हैं बच्चों का भविष्य डिसाइड करते, देश का भविष्य डिसाइड करते, आपके पास डेटा ही पूरा नहीं है कि किस गाँव में सबसे ज्यादा कुपोषित है। 5 गाँव के ना हम 5 गाँव फोकस कर लेते हैं, उनके प्रधानों को बुला लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, किसी को अडॉप्ट करा लेते हैं,
इंस्टॉल तभी कर पाइए किसी नंबर लाइन के चले जाएंगे। आप इंस्टॉल करके जो बैठिए देखिए आप बेकार रोजगार के लिए आप मान लो समूह बन गया 10 महिलाओं का जिनके कुपोषित बच्चे हैं और उनको ये लेने के सीनियर साहब या पशुपालन विभाग की तरफ से लेने के पाने के लिए ताकि उनका इनकम बढ़ जाए। ऐसे कई चीज़ें की जा सकती है लेकिन आपको उसको देखना पड़ेगा।